नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है सो so, कुछ स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं एंड आप लोगों को बता देता हूँ आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर दो बजे अपलोड नहीं करा बिकॉज दो बजे मैं लाइव सेशन पर आया था लाइव स्ट्रीम करी थी मैंने यूट्यूब के थ्रू एंड वहाँ पर मैंने मल्टीपल स्टॉक्स रिकमेंड करे थे एंड कुछ स्टॉक तो जैसे सुरजीत था बहुत बढ़िया स्टॉक गया एंड ब्रेकआउट पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्वांटिटीज पे बाय करा है अच्छा रिटर्न दे रहा है अभी हमें ठीक है सो so, आज मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज ठंड की वजह से जो बारिश हो रही है ठंड हो रही है एक्चुअल में मेरा पूरा गला हो चुका है ख़राब एक तरीके से तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा मैं होप यू आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी ओके सो so, मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं दस मिनट भी ज़्यादा नहीं बोल पा रहा नो वरीज सो आप देख सकते हैं देखिए ये एक रेजिस्टेंस था ये सेकेंड रेजिस्टेंस था एंड इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है स्टॉक का नाम है अजंता फार्मा अजंता फार्मा ने एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करा एंड फिर एक ब्रेकआउट दिया फिर एक यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड इवेंचुअली ब्रेकआउट दिया ठीक है अब आप अपर साइड वाली जो ब्लैक कलर की लाइन देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर की लाइन को इसने एक बार भी ब्रेक नहीं करा मतलब एक ग्रीन कैंडल ने एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है बट आज के दिन हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिली है एंड 1700 एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसके ऊपर क्लोजिंग दी है यस वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक आज लाइव स्ट्रीम पर भी हम लोगों ने बाय करी थी आई हैव दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन ह्यूज क्वान्टिटी एज वेल डोंट वरी ओके नेक्स्ट स्टॉक इज सुरजीत let me show you uh, okay no worries wait a second i have this stock in uh, my watch list i just forgot suprajit okay it's suprajit yes so basically it formed an head and shoulder pattern on weekly time frame let me show you it formed an head and shoulder pattern on weekly time frame एंड इट गेव अ ब्रेक टूडे एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक हम लोगों ने बात करी थी लाइव स्ट्रीम में एज वेल well. और 215 के आसपास बाय करी थी राइट क्लोज एट 218 हंड्रेड एंड एट्टीन एंड ये मुझे अभी तीन हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे रहा है और उन लोगों ने भी बाय करा होगा वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्वान्टिटी डजेंट मैटर ओके सो ये स्टॉक डेफिनेटली बाय में है मेरे जो टारगेट्स आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है वो 300 प्लस के लग रहे हैं विद इन थ्री मंथ्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं कल अगर ये इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज दे देता है मेरा स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरा स्टॉप लॉस है टू का माय स्टॉप लॉस इज 202 हंड्रेड एंड टू ऑलमोस्ट फिफ्टीन रुपीज का लॉस एंड हंड्रेड रुपीज का टारगेट सो so येस yes, अगर 202 के नीचे क्लोजिंग कर देता है आई आई डेफिनेटली एग्जिट माय पोजीशन विद स्टॉप विद अ लॉस ऑफ अराउंड थर्टीन थाउजेंड एंड अगर मुझे टारगेट होता है तो मुझे अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं तो स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं आप ओके और नेक्स्ट स्टॉक इज कॉन्कोर ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा था थ्रू टेलीग्राम चैनल येस्टरडे तडे एंड येस इट गेव अ ब्रेकआउट अ वेरी गुड ब्रेकआउट इस ब्रेकआउट पर मैंने डेफिनेटली बाय करा था लेट मी शो यू कि इस ब्रेकआउट पर जो ट्राइंगुलर पैटर्न था ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये देख सकते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर ट्राइंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आया एंड मल्टीपल कंसोलिडेशन इज सीइंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल एट 420 सो एग्जैक्ट 421 पे आई बॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक राइट नॉट ट्रेडिंग एट 434 मेरा जो टारगेट है 464 का है और ये स्टॉक भी मुझे अभी छः का प्रॉफिट दे रहा है सो आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक स्टॉक डेफिनेटली यू कैन एज वेल और ये मैंने आप लोगों को इन एडवांस पहले ही बता दिया था जब ब्रेकआउट हुआ भी नहीं था ठीक है सो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टॉक इज रेडिको खेतान जो कि मैं कल बाय करने की सोच रहा हूं देख सकते हैं एक सिमिट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये काम कर रहा है एक विच पैटर्न के अंदर काम कर रहा है सॉरी एंड इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है आज इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट देने के बाद यही इसका रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर इसने जाके क्लोजिंग दे दी है अगर 480 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बाइंग अच्छे से जनरेट हो सकती है और 500 के लेवल्स तक भी आराम से पहुंच सकता है इस स्टॉक को ट्रेड करना मत भूलेगा ये अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है नेक्स्ट स्टॉक इस जेंटेक जिनटेक प्रोबली मैंने ट्रेडिंग uh, व्यू पे ही देखा था इसकी रिकमेंडेशन एंड मुझे स्टॉक अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को रिकमेंड भी कर दिया जाए सिमिलर टाइप ऑफ रेडिको खेतान टाइप का ही है एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद एक इनसाइट कैंडल एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है अगर ये एट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली यह 105 तक भी पहुंच सकता है विद इन अ वीक तो आई एम ऑलरेडी बॉट दिस स्टॉक आप इसको भी बाय कर सकते हैं मेरा टारगेट है वन जीरो फाइव का विद इन वन वीक आपको बाय करना हो आप इन ट्रेडे में कर सकते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग लेकर चल सकते हैं ओके सो गाइज प्लीज डू लेट मी नो एज वेल कि आप लोग और कौन सी नई नई वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं अपने यूट्यूब पे, बिकॉज मैं फाइव स्टॉक्स तो ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं, एंड आई नीड टू इंक्रीज़ माय ऑडियंस एज वेल सो मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों की रिकमेंडेशन से कौन से वीडियोस और बनाने चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा लोग ऑडियंस हमारे साथ इंटरेक्ट करें तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड गाइस इस वीडियो पे थाउजेंड लाइक्स अगर आते हैं सो so मैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम भी करूंगा फ्राइडे को सो प्लीज डू लेट मी नो अगर आपके थाउजेंड व्यू लाइक्स आते हैं तो आई डेफिनेटली डू द लाइव स्ट्रीम अगेन ओके निफ्टी बैंक निफ्टी आई ऑलवेज टोल्ड यू बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स ठीक है हमेशा आपको डिप्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय करना है आज लाइव स्ट्रीम हुई थी लाइव स्ट्रीम पे हम लोगों ने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा था एंड वहां पर मैंने उन लोगों को बाय भी करवाया था एंड आप उन लोगों को सेल के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी थी ये एक ट्रेंड लाइन थी ये ट्रेंड ट्रेंडलाइन जैसी ब्रेक हुई थी आई हैव टोल्ड देम द टारगेट शुड बी दिस पर्टिकुलर रेंज बिकॉज इट्स ये जो रेंज है ये लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो लेवल है ये है प्रीवियस स्विंग लो यहां से नीचे नहीं जाएगा बिकॉज द मार्केट इज बुलिश इफ द मार्केट इज बुलिश इट क्रॉस इट्स इट्स नॉट ग्रॉस इट्स प्रीवियस स्विंग लो ऑन एनी टाइम फ्रेम ओके सो वट वी डू हम लोगों ने यहां पर एक मैंने यहां पर नई कॉल ऑप्शन और एड कर ली है आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है आई विल एग्जिट कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट होगा बट अगर ऊपर जाता है ट्वेल्व डेफिनेटली गेम सम प्रॉफिट ओके सो निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाय है बट निफ्टी पे कभी भी डिप मिले यू हैव टू गो फॉर अ बाय बैंक निफ्टी पे भी अगर आपको लेट मी शो यू बैंक निफ्टी एज वेल ओके बैंक निफ्टी ऑलरेडी गेव अ ब्रेकआउट यस बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी गेव अ ब्रेकआउट फ्रॉम थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी सो कभी भी यहां पर रिटेस्ट करता है वी हैव टू गो फॉर अ बाय ओके बैंक निफ्टी पे वी हैव टू गो फॉर अ बाय अब देखिए हमें स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट मल्टीपल ट्रेंड लाइन एंड अदर थिंग्स ओके? सो स्टॉक की साइकोलॉजी आप लोगों को क्या, बताएगी? Line, आप कैसे करोगे? क्या आप इस लो से कनेक्ट करके एक ट्रेंडलाइन ड्रॉ करोगे ये yes, हम लोग कर सकते हैं बट एक्चुअल में जो स्टॉक की साइकोलॉजी हमें समझा रही है वो क्या समझा रही है वी डोंट यूज ट्रेंडलाइन फ्रॉम वेर इट गेव अ ब्रेकआउट ब्रेकआउट इसने इस लेवल से दिया है सो दिस इज आर ट्रेंडलाइन ठीक है ब्रेकआउट इसी लेवल से दिया है सो so, ये हमारा ट्रेंड लाइन हुआ ठीक है एक विक के साथ एंड एक बॉडी के साथ सो so, यहां से भी सपोर्ट ले सकता है इसको ब्रेक करा दिस इज आर सपोर्ट एंड थर्ड इज फर्स्ट टाइम जो रीटेस्ट करेगा ओके स्टॉक की साइकोलॉजी को जब तक आप समझोगे नहीं यू कांट अंडरस्टैंड कि स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है ओके okay, वरना आप लोगों को आप अर्ली एंट्री नहीं ले पाओगे आप ज्यादा हायर रिस्क पे एंट्री लोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैनेज करनी होगी यही सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ओके सो प्लीज डू नोट दिस लेवल्स आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं लर्निंग्स को नोट करा करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम बेनिफिट इन द फ्यूचर सो so, मैं इस वीडियो एंड करता हूँ डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी मैं जिस तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आया होगा प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर थाउजेंड लाइक्स आते हैं सो आईल डेफिनेटली डू लाइव स्ट्रीम ऑन फ्राइडे एज वेल एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल की वीडियो में मैं शिवानश भसीन साइनिंग ऑफ